फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे हाउ टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यूजिंग स्कैनर क्लास। यानी स्कैनर क्लास की मदद से कैसे हम लोग जो हमारा सिलेंडर होता है उसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो इस वीडियो में देखेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, आपको मेन मेथड के अंदर आना होगा और यहाँ पर लिखना होगा स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट स्कैनर, स्कैनर इक्वल टू न्यू स्कैनर, और यहाँ पर लिखना होगा सिस्टम डॉट इन। ठीक है, पहला काम हो गया। मुझे एरिया से इनपुट लेना होगा, तो मैं क्या करता हूँ, एक मैसेज प्रिंट कराऊंगा, मुझे चाहिए रेडियस और हाइट। तो यहाँ पे मैं डालूंगा मैसेज यूजर को इंटर द रेडियस। ठीक, मतलब मुझे क्या करना है, रेडियस को यूजर से लेना है, तो रेडियस चलवा दिया। उसको स्टोर किस में करना है, तो मैं लूँगा डबल डाटा टाइप, उसमें ले लूँगा आर, और उसमें क्या करूँगा स्कैनर डॉट नेक्स्ट डबल कर दूँगा हमारा, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे रेडियस ले लेंगे। अब मुझे क्या करना, एक और काम करना होगा, वह काम यह होगा कि हमको हाइट लेना होगा। तो यहाँ पे लेंगे हम इंटर द हाइट, यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे डबल लेंगे फिर, और यहाँ पे एच वेरिएबल लेंगे जो भी होगा हमारा, उसमें क्या करेंगे स्कैनर डॉट नेक्स्ट डबल कर देंगे। ठीक है, इसे क्या होगा कि हमारा जो अभी आउटपुट होगा, इनपुट होगा, वो यहाँ से ले लेंगे। अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे फार्मूला लिखना होगा जो भी होता है हमारा सरफेस एरिया का। तो मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पे डबल डाटा टाइप लिया, यहाँ पर मैंने ए नाम का वेरिएबल ले लिया, और यहाँ पे क्या करूँगा फार्मूला उसको लिखूंगा, तो वह होता है 2πr² × 2πrh। तो 2πr क्या होता है, 2πr इसमें कॉमन हो जाएगा 2πr, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 2 × π / r यहाँ पे हो जाएगा हमारा। ठीक, ये हो गया, अभी 27 हो जाएगा यहाँ पे, तो 27। ठीक, और यहाँ पे देखेंगे इसको क्लोज करेंगे हम, तो जब इसको क्लोज करेंगे तो एक और आपको ब्रैकेट चाहिए यहाँ पे इधर से, ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक और जो है स्टार एच होता है जो हमारा कॉमन होगा इस आर प्लस एच, उसको क्या करेंगे हम बाहर निकालेंगे, तो आर प्लस क्या हो जाएगा एच, ये क्या होता है इसका फार्मूला होता है। और उसको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसको प्रिंट कर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सिस्टम डॉट प्रिंटलाइन, और यहाँ पे लिखेंगे एरिया इज, ठीक है, जो भी होता है, और यहाँ पे प्लस करके एक को प्रिंट कर देंगे, हमारा काम हो गया। कंट्रोल सेव करेंगे और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस 10 करेंगे, तो हमारा जो प्रोग्राम रन होना शुरू हो जाएगा। पहले हमसे मांगेगा रेडियस, फिर मांगेगा हमसे हाइट, जब दोनों इनपुट कर देंगे तो हमारा चला जाएगा एक इसमें, यहाँ पर चला जाएगा एरिया में चला जाएगा। जब एरिया में चला जाएगा तो यहाँ पर क्या फार्मूला से क्या करेगा, ये कैलकुलेट करेगा। तो देखिए हमने यहाँ पर एरिया डेटा डाल दिया 4, हाइट डाल दिया मान लीजिए 5, और देख रहे हैं हमारा कि जो एरिया हमारा आ गया है 26.28571 28571 28। तो ये मैंने बताया आपको किसका, इसके ना क्लास के मतलब से। अब नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा आपको मैंने कैसे आपको इसको फंक्शन की पता से कर